धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में सोमवार की देर रात बाड़ी विधायक किराय सिंह मलिंगा रॉयल्टी ठेकेदार की तानाशाही के खिलाफ हाईवे जाम करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने के बाद विधायक हाईवे पर सो गए। विधायक ने रॉयल्टी ठेकेदार पर व्यापारियों का शोषण सहित तानाशाही करने का आरोप लगाया है। विधायक ने रॉयल्टी ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में सरकार के नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार द्वारा फिनिश्ड खनिज से रॉयल्टी वसूल की जा रही है, जबकि खनिज विभाग ने ठेकेदार को कच्चे खनिज पर रॉयल्टी वसूल करने का ठेका दिया है। विधायक ने खनिज विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदार से साठ गांठ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नियमानुसार प्रति ट्रक 30 रुपए तुलाई फीस होने के बाद ठेकेदार द्वारा प्रति ट्रक से तुलाई फीस के एवज में 600 रुपए वसूल कर रहा है, जो सरासर व्यापारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि रॉयल्टी ठेकेदार नियमानुसार कच्चे खनिज पर रॉयल्टी वसूल कर सकता है, लेकिन ठेकेदार नियमों को ताक में रखकर फिनिश्ड बॉल से रॉयल्टी वसूल करने में लगा है, जिसका पत्थर व्यवसायी कई दिनों से ठेकेदार से विरोध जता रहे हैं। विधायक ने बताया कि मामले को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर व खनिज विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन व्यवसायियों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। देर रात शुरू हुआ विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का धरना सुबह के पहर खत्म हुआ, जो रात 2 बजे खनिज विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक को आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आश्वासन दिया। मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद विधायक मलिंगा ने धरना समाप्त किया। 15/4/19 को रॉयल्टी नाका वालों द्वारा ज्यादा वसूली करने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में उनसे इस संबंध में कहा, जिनके आपस में बात नहीं बनी तो उन्होंने नाके के सामने रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद ईएमई साहब आए और उन्होंने रॉयल्टी वालों के खिलाफ FIR पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान चल। व्यापारी लेके नहीं आए, मुझे उनके साथ आया हूँ। ठेकेदार ने बहुत गुंडागिरी मचा रखी, यहाँ पर लूट मार कर रहा है, 30 रुपये तुलाई के 600 रुपये वसूल कर रहा है। सरकार की फर्जी रोल्टी की रसीद छाप रखी है, अपने खुद ही सरकारी मुद्रा उसने बनाए रखी है, जबकि ठेका एक से रोल्टी का, एक बार रोल्टी लेंगे वो भी क्या है कि ऐसे मान कर चलो खान से गए 5 टन वजन कर बनना है, तो उसमें 8 टन आ गया, 10 टन आ गया, 15 टन आ गया, उसका जो ठेका है जो तो क्या है कि उसकी अलग ले रहा है, और फिर जो कटिंग माल हो गया उसकी अलग ले रहा है, दोनों की ले रहा है, डबल रोल्टी ले रहा है, मतलब एक ट्रक पर से करीब 12 से 14 हज़ार रुपये फालतू की लूट मार कर रहा है। जो स्थिति है लूट मार मचा रखी है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट में इनसे मिले हुए रहते हैं सभी लोकल के। आपका धरना जारी रहेगा? धरना जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ जब तक धरना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार की शाम को हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची। शाम करीब 6 बजे धौलपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुलिस लाइन में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वह राजनिवास पैलेस के लिए रवाना हो गई। पुलिस लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी से बुधवार को होने वाली बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, अकील अहमद, जयंत मोदी, विनय परमार, कीर्ति रजावत सहित अन्य भाजपाई मौजूद थे। पुलिस के लिए सरगर्द बने कुख्यात डकैत पप्पू गुर्जर और केशव गुर्जर की एक बार फिर से पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 डकैत पुलिस पर फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों की ओर भाग निकले। जंगलों में घुसे डकैत अपनी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए, जिन्हें डकैतों का पीछा कर रही पुलिस ने जब्त कर लिया है। बसईडांग थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि सोमवार देर शाम को पुलिस को मुखबर से दस्यु पप्पू गुर्जर के करण सिंह का पूरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आने की सूचना मिली। मुखबिर से मिली सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर के निर्देश पर कंचनपुर थाना प्रभारी परमजीत पटेल के साथ सैपऊ थाना प्रभारी अभिजीत सिंह और कोबरा पुलिस को दस्यु ग्रोह को पकड़ने के लिए भेजा गया। बसईडांग थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि करण सिंह का पूरा गांव में पहुंची पुलिस ने दस्यु पप्पू गुर्जर और उसके साथियों के शादी समारोह में मौजूद होने की खबर की पुष्टि करने के बाद गांव से बाहर जाने वाले दोनों रास्तों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया।
पुलिस की घेराबंदी की खबर मिलते ही दस्यु गुरु मौके से पल्सर और होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव के पीछे की ओर से कच्चे रास्ते से जंगलों की ओर भागने लगे। दस्यु गुरु के भागते ही पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठे दस्यु गुरु के सदस्यों ने पुलिस पर 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दिए। बसई डांग थाना प्रभारी ने बताया कि दस्यु गुरु के फायरिंग करने के बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस की ओर से की गई 17 राउंड फायरिंग के बाद दस्यु मोटरसाइकिलों को जंगलों में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पीछा कर रही पुलिस ने जंगलों से दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर दस्यु गुरु के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके के NH-11 बी पर कसौटी खेड़ा गांव के पास मंगलवार को पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में पिकअप सवार 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। घटना के बाद ट्रैक्टर सवार मौके से फरार हो गया। हादसे को देख स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना बाड़ी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव बलहरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश निवासी राजेंद्र पुत्र बहादुर सिंह अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर पिकअप गाड़ी से सोमवार को कैला देवी दर्शन करने गया था। मंगलवार को सभी लोग पिकअप गाड़ी में सवार होकर वापस आ रहे थे। वापस आते समय NH-11B पर कसौटी खेड़ा गांव के पास लिंक रोड से हाईवे पर चढ़ते समय ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार सभी महिला पुरुष और बच्चों की चीख पुकार निकल गई। घटना को देख ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने सभी घायलों को सुरक्षित निकाला। लोगों ने हादसे की सूचना बाड़ी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है। दुर्घटना में 55 वर्षीय राजेंद्र पुत्र बहादुर सिंह, 45 वर्षीय टीटू पत्नी राजेंद्र, 35 वर्षीय देशराज पुत्र राजेंद्र, 32 वर्षीय चंद्रपति पत्नी देशराज, राहुल पुत्र देशराज, राधा पुत्री देशराज, विनोद पुत्र राजेंद्र, विनोद सिंह राम खिलौना पुत्र, नेमीचंद सुमित्रा पत्नी राम खिलौना, देवी पुत्री राम खिलौना, खुशबू पुत्री राम खिलौना, उर्मिला पत्नी रामजीत, रीता पुत्री रामजीत और इसके अलावा पिकअप चालक सोनू पुत्र चरण सिंह, पत्तो पत्नी सोनू, महेश पुत्र राम प्रकाश घायल हुए हैं। सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार किया जा रहा है। बाड़ी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। फिर क्या हुआ? ये बूटे कटर वाला ठोक भैया, अरे वाला ढाबा ही पे रोटी खाए के चले भैया। ट्रैक्टर वो कैसे भाग गया? भागो भैया, नहीं पकड़ पाए मैं, करो भैया पकड़ लो। आप कितने लोग घायल हुए हो? ओ भैया हम तो 10-15 आ गए भैया, सवारी पूरी गाड़ी घायल है भाई। तो भैया वो बेटा लग जा रहे थे नीला करके, इधर से मिट्टी का ट्रैक्टर जा रहा था, उससे इनका एक्सीडेंट हो गया है। कितने लोग घायल हुए सर? और 10 आदमी घायल हुए, ज्यादा सीरियस नहीं है किसी की हालत। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंचायत समिति धौलपुर के दशरथ पुरी ने ऐतिहासिक बढ़ना को गीत का रूप देते हुए सब देवन में बड़ा धौलपुर आके मचकुंड सरोवर में स्नान करो, ग्रामीण विकास पंचायती राज की अंजलि शर्मा ने ए वतन आवाज रहे तो मैं जहाँ रहूँ याद रहे तू, कृषि विभाग के मुकुट बिहारी गुजर ने अपना धौलपुर प्यारा धौलपुर राजस्थान की शान, राजस्व विभाग के पटवारी राम निवास ने सिर्फ संदेश देकर सभी को मतदान करने की अपील की, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा रोशन मस्ताना ने मतदाता दिवस पर मतदान करने एवं VPAT के बारे में लोकगीत के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने सभी की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, पहले मौका होने पर भी सभी की अच्छी कोशिश रही है। उन्होंने कहा कि सभी की लोकसभा चुनाव में मतदान करने की नैतिक जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है, इसलिए मतदान दिवस 6 मई को हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिला कलेक्टर द्वारा 6 मई मतदान करने की शपथ दिलाई तथा सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह दिए। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिंचन मीणा ने किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र नरूका, उपखंड अधिकारी भवन लाल कांसौटिया, तहसीलदार चिरंजी लाल शर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभाकक्ष में किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना,
टेली मेडिसिन योजना एवं मौसमी बीमारियों पर चर्चा की गई। साथ ही विभागीय कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इन सुविधाओं का लाभ मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही अवधि पार दवाओं के सही तरह से निस्तारण करने के निर्देश में बैठक में दिए। बैठक के दौरान सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को चिकित्सा संस्थानों पर आने वाले मरीजों को मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मतदान करने व करवाने की शपथ भी दिलाई गई। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चित्रा मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार सहित जिले के सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मौजूद रहे।